आज आप सीखेंगे एक्टिविटी 5 का आई पार्ट। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हिसाब से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से? ये ऊपर वाले पूरे नंबर से। इसमें पहले हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18। 18 देखिए इस साइड पे लिखा है 18 का 8 हम नीचे ले आएंगे 6 के नीचे, और ये 1 कहाँ लिखेंगे? 1 कैरी लिख देंगे इस 6 के ऊपर। अब हम ये 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस 6 से। 6 6 36। 36 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 37। जिसमें ये 37 का 7 हम नीचे ले आएंगे 8 के आगे लिखेंगे, और ये 3 कहाँ लिखेंगे? इस 1 के आगे 2 के ऊपर कैरी। अब हम ये 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 6 2 12। अब 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15। जिसमें ये 15 का 5 आ जाएगा नीचे, और ये 1 कैरी लिख देंगे आगे वाले नंबर के ऊपर 8 के ऊपर। अब इसमें हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 6 8 48। 48 में फिर ये 1 ऐड करेंगे तो 49 होगा। अब हम 49 ही यहाँ लिखेंगे। अब इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 5। इसमें पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो पहले ये वाले कैरी हैं ये हम ख़त्म कर देंगे, और ये 8 के नीचे पहले हमने क्रॉस लगाना है। 8 के नीचे क्या लगाएंगे? क्रॉस। 5 3 15। 15 का ये 5 हम नीचे ले आएंगे, इस 7 के नीचे हम लिखेंगे, और ये 1 कहाँ जाएगा? ये 1 हम कैरी लिख देंगे 6 के ऊपर। अब इसमें 5 ये मल्टीपल होगा किससे? 6 से। 5 6 30। 30 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 31। 31 का ये 1 हम नीचे लिख देंगे 5 के आगे, और ये 3 कहाँ लिखेंगे? 3 कैरी लिख देंगे इस 2 के ऊपर। अब हम ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2 10। 10 में फिर ये 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 13। इस 13 में से ये 3 नीचे आ जाएगा इस 1 के आगे, और ये 1 कहाँ लिखेंगे? इस 3 के आगे कैरी लिख देंगे 8 के ऊपर। अब ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। 5 8 40। 40 में फिर 1 ऐड करेंगे तो 41 होगा। हम 41 ही यहाँ लिख देंगे। अब हम ये दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर। इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। ये क्या आंसर है? 462,728। अल्लाह हाफिज़।